Hello to all the students. Hope you all are doing well. Now, I would like to begin with the fifth chapter of your class fifth syllabus, that is Terrapin's Flying Adventure. Terrapin is a tortoise here. His name is Terrapin. And you know what is flying? Udna, adventure, ek romanchak game ho sakta hai. Theek hai? Is romanchak game mein hum बहुत सी चीज़ों की खोज करते हैं या किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जिसके बारे में हमें ज़्यादा पता नहीं है. ओके, नाउ लेट अस वार्म अप अ लिटिल बिट. कैन यू रिकॉग्नाइज द पॉपुलर स्टोरीज फ्रॉम द पिक्चर्स? नाउ यू कैन सी द पिक्चर्स हियर एंड इस पिक्चर को आप देख रहे होंगे. सबसे पहला पिक्चर है टॉर्टोइस एंड रैबिट. आपको याद है कछुए और रैबिट की स्टोरी के बारे में, तो ये वो वाली स्टोरी है. एंड लायन और चूहे की स्टोरी के बारे में भी आपको पता है, ठीक है? लायन एंड द माउस एंड द कैट एंड द माउस की वाली स्टोरी भी आपको पता है, गले बिल्ली के गले में घंटी बांधने वाली जो स्टोरी थी. ओके, नाउ लेट्स बिगिन विद द चैप्टर. टेरेपिन वॉज अ फेमस क्रीचर इन मार्शलैंड. ओके, तो फिर मैंने आपको बताया कि टेरेपिन टॉर्टोइस का यहाँ पर नाम है. तो टेरेपिन वॉज अ फेमस क्रिएचर इन मार्शलैंड. मार्शलैंड एक जगह है, तो टेरेपिन वहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध जानवर था. ओके, तो ही वॉज कॉल्ड ग्रम्बलर बिकॉज ही ग्रम्बल्ड अबाउट एवरीथिंग टू एवरीवन. तो उसका नाम लोगों ने ग्रम्बलर रखा हुआ था. ग्रम्बलर मतलब बुड़बुड़ाने वाला, ठीक है, हर चीज़ की कंप्लेन करने वाला. बिकॉज ही ग्रम्बल्ड अबाउट एवरीथिंग टू एवरीवन. तो वो क्या करता था, वो हर चीज़ के बारे में सबसे कंप्लेन करता रहता था. इफ़ ही मेट रैबिट ही ग्रम्बल्ड दैट ही कुड नॉट रन लाइक हिम. तो जब वो रैबिट से मिलता था तो कहता था कि मैं तुम्हारी तरह दौड़ नहीं सकता हूँ. इफ़ ही मेट ईगल ही ग्रम्बल्ड ही कुड नॉट फ्लाई लाइक हिम. तो जब वो ईगल से मिलता था तो वो इस चीज़ के लिए बुड़बुड़ाता था कि वो उसकी तरह उड़ नहीं सकता. वन डे द बर्ड्स डिसाइडेड दे हैड टू डू समथिंग अबाउट इट. तो सारी चिड़ियों ने डिसाइड किया कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा इस चीज़ के लिए. बिकॉज दे वर फेड अप विद हिज ग्रम्बलिंग. तो वो एकदम परेशान हो गए थे उसके बुड़बुड़ाने से. दे वुड ट्राई टू टीच हिम हाउ टू फ्लाई. तो उन्होंने तय किया कि अब हम इसे उड़ना ही सिखा देते हैं. ओके, क्रो केम फॉरवर्ड. क्रो को आप जानते हैं, कौवा, वो सबसे पहले आया. शी सेड, तो वो आई सबसे पहले. नाउ सी व्हाट हैपेंड. वो कहने लगी, टेरेपिन गेट ऑन माय बैक, वी विल गो फॉर अ राइड इन द स्काई. तो टेरेपिन से वो कही कि मेरे पीठ पर चढ़ जाओ और हम सब राइड के लिए चलते हैं हम दोनों. दिस वे यू विल ऑल्सो लर्न टू फ्लाई. तो इस तरीके से तुम उड़ना भी सीख जाओगे. Terrapin got onto Crow's back happily. Off they went flying between trees and tall houses. तो फिर Terrapin Crow के पीठ पर चढ़ गया एंड फिर वो लोग ट्रीज में और बड़े बड़े घरों के आसपास उड़ने लगे. Terrapin felt very proud when all his brother waved at him from the ground. तो Terrapin को बहुत गर्व हुआ जब वो नीचे देख रहा था कि उसके जो साथी हैं वो नीचे से देख रहे हैं. ओके, नाउ सी, बट ही वांटेड मोर एक्साइटमेंट. अब आप तो जानते ही कि ये संतुष्ट नहीं होता था, ठीक है. ही वांटेड मोर एक्साइटमेंट. तो उसको और एक्साइटमेंट चाहिए था और उसको मस्ती चाहिए थी. वी आर नॉट हाई इनफ, ग्रम्बल्ड टेरेपिन. तो टेरेपिन ने फिर बड़बड़ाया. उसने कहा कि हम तो ज़्यादा ऊँचे नहीं हैं. कैन यू गो हायर. तो उसने क्रो से कहा कि क्या तुम और ऊंचा चल सकते हो. नो सॉरी आई कांट गो हायर. हियर इज वल्चर ही कैन टेक यू हायर, क्रो सेड. तो फिर क्रो ने कहा, उसने क्रो से कहा कि क्या तुम और ऊपर चल सकते हो. तो फिर क्रो ने मना कर दिया क्योंकि क्रो अपनी लिमिट में ही उड़ सकता है, ठीक है. अगर वो उतना ऊंचा उड़ने की कोशिश करेगा तो ज़रूर है कि उससे परेशानी होगी. तो उसने कहा नो सॉरी आई कांट गो हायर. तो उसने कहा वल्चर है यहाँ पर, ही कैन टेक यू हायर. नाउ सी, टेरेपिन स्लिप्ड ऑन टू वल्चर्स बैक, दे वेंट ग्लाइडिंग ओवर फॉरेस्ट एंड रिवर्स.
Okay, the terrapin got onto vulture's back. Terrapin gets on the vulture's back and they went gliding over the forest, big forest and the huge rivers. And then he said excitedly, "Oh, wee! This is the best day of my life." Terrapin squealed with delight. Squealed matlab pukarna, tez se chillana, khushi se. Theek hai? After gliding for some time with Terrapin on his back, Vulture noticed his brothers having a feast in the valley down below. तो कुछ देर जब वो लोग उड़ रहे थे तो Vulture ने क्या देखा कि उसके दोस्त नीचे वैली पर फीस्ट कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं. तो उसने Terrapin से पूछा, कैन यू सी डाउन देयर, ही आस्क्ड Terrapin. तो नाउ Terrapin ऑफ कोर्स कुडंट सी द फीस्ट हैपनिंग डाउन इन द वैली. अब Terrapin को तो नीचे कुछ दिख ही नहीं रहा था क्योंकि उसकी आई साइट वल्चर जितनी अच्छी नहीं है. आप जानते होंगे कि वल्चर बहुत ऊंचा उड़ता है तो इस वजह से उसकी आई साइट बहुत अच्छी होती है. ओके, हॉक वॉज फ्लाइंग क्लोज बाय. तो हॉक एक तरीके का पक्षी है जो वल्चर से थोड़ा सा ऊंचा उड़ता है. वल्चर विसल टू हॉक. तो वल्चर ने हॉक को बुलाया, हॉक कम एंड गिव Terrapin अ राइड इन द क्लाउड्स. तो हॉक ऐसा पक्षी है जो बादलों तक को उड़ता है. तो उसने कहा कि Terrapin को तुम बादलों में ले जाओ. आई हैव गॉट टू गो डाउन. तो उसने वल्चर ने कहा कि मुझे नीचे जाना पड़ेगा. सो हॉक टुक Terrapin ऑन हिज बैक एंड स्पेड अवे हायर. तो फिर हॉक ने Terrapin को अपनी पीठ पर लिया और ऊंचा उड़ता चला गया. नाउ सी, नाउ आई एम रीचिंग द क्लाउड्स, Terrapin सेड. Terrapin ने कहा, अब मैं बादलों से होकर गुजर रहा हूँ. ओके, नाउ सी स्टूडेंट्स, वी केम ऑन द नेक्स्ट पेज. Just then, King Eagle with his beautiful shiny brown feathers came by flying. तो फिर उसके जस्ट बाद beautiful eagle, तो वहाँ पे eagle आ गया. ठीक है, तो आप तो eagle के wings को जानते ही हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं. Ah, brother Terrapin, this is not what you call flying in the clouds. Hawk, take him up where he can get a good view of earth, he said. तो फिर उसने कहा किंग ईगल ने कि ओ Terrapin, इसको बादलों में उड़ना नहीं कहते. हॉक, तुम इसे और ऊंचा ले चलो कि ये पृथ्वी को अच्छी तरीके से देख सके, इसे एक सुंदर नज़ारा दिख सके पृथ्वी का. ओ नो, आई विल ओनली फ्लाई एज हाई एज इज़ गुड फॉर मी, हॉक सेड. तो हॉक ने कहा कि मैं सिर्फ उतना ही उड़ूंगा जितना मेरे लिए सही है. तो फिर हॉक ने कहा, वाई डोंट यू टेक हिम. तो फिर हॉक ने कहा कि तुम ही इसे क्यों नहीं ले जाते. ओके, नाउ सी व्हाट इज रिटन बिलो. Terrapin, गेट ऑन माय बैक, आई विल गिव यू अ राइड यू विल नेवर फॉरगेट, किंग ईगल सेड. किंग ईगल ने कहा कि Terrapin, तुम मेरे पीठ पर आओ और मैं तुम्हें ऐसी राइड दिलाऊंगा जो तुम अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे. Terrapin वॉज हैप्पी. Terrapin अब बहुत खुश हुआ. King Eagle has the longest wings and he is the strongest bird, so I will have a comfortable ride, Terrapin thought to himself. Then Terrapin ने सोचा कि King Eagle के पास तो सबसे बड़े wings हैं और सबसे strong bird है वो, तो वो मुझे बहुत अच्छी ride मिलेगी इसके पीठ पर. Now see, up and up and up they went. King Eagle took Terrapin so high he couldn't see any house below. तो फिर किंग ईगल इतना ऊपर ले गया Terrapin को, उस टॉर्टॉइस को, कि उससे अब नीचे घर ही नहीं दिख रहा था कोई भी. दे हैड बिकम सो स्मॉल. तो अब घर बहुत छोटे हो गए थे. दे वर ऑलमोस्ट इनविजिबल. तो वो एकदम दिख ही नहीं रहे थे, वो इतने ऊपर पहुँच गए थे. Terrapin began to feel scared. What if I fall? I will crash into pieces on the ground. Vulture will then feast on my tender skin. Horrible, he shuddered at the thought. Now Terrapin was thinking in his mind and was feeling a little bit scared because he was too high. तो वो सोचने लगा कि क्या होगा अगर मैं गिर गया, मेरे तो टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे. And then Vulture
मेरे स्किन को खा जाएंगे, बहुत बुरा होगा। तो नैन्सी, कैन वी प्लीज गो डाउन, किंग ईगल आई एम स्केयर्ड एंड फॉलिंग। तो फिर किंग ईगल से उसने कहा कि क्या हम और नीचे चल सकते हैं? किंग ईगल, मुझे डर लग रहा है, मैं गिर रहा हूँ। तो फिर किंग ईगल ने कहा, बट वी कैन गो हायर, कम जस्ट अ लिटिल हायर। किंग ईगल सेड सॉफ्टली, किंग ईगल ने कहा, कोई नहीं, हम और ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं। नो, टेक मी डाउन प्लीज, आई एम फीलिंग ड्रिजी प्लीज। तो फिर टेरिपिड ने भीख मांगी उससे, उसने कहा कि प्लीज़ मुझे नीचे ले चलिए, मुझे चक्कर जैसा लग रहा है। डिजी मीन्स चक्कर जैसा लगना। बट aren't यू enjoying द राइड, किंग ईगल asked, अ लिटिल annoyed विद टेरिपिन। तो अब किंग ईगल को गुस्सा आने लगा, तो उसने कहा कि तुम्हें राइड अच्छी नहीं लग रही क्या? फिर टेरिपिन ने कहा, ओ नो आई मीन यस, ही laughed नर्वसली। तो वो डर भी रहा था, फिर उसने कहा, नहीं नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। A little bit higher and then I will swoop down. Now King Eagle laughed. King Eagle हंसी से बोलने लगा, हम थोड़ा और ऊपर चलते हैं, फिर हम नीचे हो जाएंगे। Okay. Just then Terrapin remember he had a kite winder with strong thread in his pocket. He quickly tied some thread to King Eagle's legs. Then he held on to the. Now see what टेरिपिन डिड। अब टेरिपिन को तो डर लग रहा है, उसे पता लग गया है कि अब जो वो उसके साथ हो रहा है, जितना ऊंचा वो उड़ रहा है, उसके लिए अच्छा नहीं है। तो फिर टेरिपिन को याद आया कि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग थ्रेड है काइट का उसके पॉकेट में। तो फिर उसने क्या किया, किंग ईगल के पैरों पर उसको बांध दिया उस थ्रेड को। देन ही हेल्ड ऑन टू द विंडर एंड लीप्ड ऑफ किंग ईगल्स बैक। फिर उसने क्या किया, किंग ईगल के पैरों में वो उस रस्सी को बांधा और अपने भी पकड़ा, और फिर धीरे धीरे लटक गया उस रस्सी से। ही लेट हिमसेल्फ डाउन 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 ऑन द थ्रेड टिल ही रीच्ड द ग्राउंड। तो बहुत रस्सी तो बहुत बड़ी होगी ना, तो फिर वो ऐसे करते करते ग्राउंड तक पहुँच गया। फ्यू, ही सेव्ड फ्रॉम द डिजास्टर। तो फिर टेरिपिन ने राहत की सांस ली, उसने कहा कि मैं बच गया। दैट वॉज अ राइड आई वॉन्ट फॉरगेट, आई एम हैप्पियर एंड सेफर ऑन द ग्राउंड, ही सेड। तो फिर उसने कहा कि एक ऐसी राइड थी जो मैं कभी नहीं भूलूंगा, मैं ज़मीन पर ही खुश हूँ और सेफ हूँ। आफ्टर दैट डे टेरिपिन नेवर ग्रम्बल्ड दैट ही कुडंट फ्लाई, ही हैज़ रिमेन्ड ऑन द ग्राउंड फॉर एवर। नाउ फिर उस दिन के बाद से टेरिपिन को ये रियलाइज हो गया कि वो ज़मीन पर ही सेफ है, और फिर कभी उसके बाद से उसने बुड़बुड़ाया नहीं कि वो उड़ नहीं सकता, फिर वो ज़मीन पर हमेशा के लिए रहा। नाउ लेट्स सी अ वर्ड मीनिंग विच इज़ गिवन हियर, शडर्ड, ट्रेम्पल्ड विद फियर और हॉरर फ्रॉम द कोल्ड। ओके, तो ये शडर्ड टेरिपिन के लिए लिया गया है, क्योंकि वो डर गया था ना जब वो ऊंचा उड़ा था तो। ओके, नाउ आई वुड लाइक टू स्टॉप दिस वीडियो। फर्दर एक्सरसाइजेस एंड द क्वेश्चन आंसर्स यू विल गेट अ पीडीएफ फॉर्म ऑफ दैट। ओके, सो यू हैव टू राइट इट फ्रॉम देयर एंड मेंटेन योर कॉपी प्लीज। थैंक यू फॉर सीइंग एंड प्लीज स्टडी द चैप्टर। थैंक यू।